और हर वर्ष की तरह इस साल भी स्वर्गीय श्री रिसलदार सुब्राम डागर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ उजवा गांव से भाई मुकेश डागर हैं, जो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर रक्तदान किया है। और बधाई की पात्र है सुनीता जी, जो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश कर रही है और ये रक्तदान कर रही है और प्रेरित कर रही है तमाम उन महिलाओं को कि रक्तदान से हमें लाभ होता है और प्रत्येक महिला को भी रक्तदान करना चाहिए। कैसा महसूस हो रहा है जी? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आप पहली बार रक्तदान कर रहे हो? जी, मैं सेकंड बार रक्तदान कर रही हूँ। अच्छा, तो इससे कोई कमजोरी वगैरह तो नहीं आती? जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वेरी गुड। तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इससे क्या फायदा होता है, क्या रक्तदान करना चाहिए? मैं उन सबको कहना चाहती हूँ, उन बहनों को सबको कहना चाहती हूँ कि सबको ऐसा मौका मिले तो उनको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में कोई थकावट महसूस नहीं होती। अगर किसी के मन में ये वहम है कि हमारे शरीर में कमजोरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें मौका मिले तो ये इसका लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल, लाभ उठाना चाहिए। और जैसा कि कहा है कि रक्तदान से कमजोरी शरीर में नहीं आती है, सबको रक्तदान करना चाहिए। भाई मुकेश जी भी बधाई के पात्र हैं। मुकेश भाई, क्या कहोगे? आप पूरे परिवार के साथ आए हैं और भाभी जी ने, आपकी धर्मपत्नी ने यहाँ रक्तदान भी किया है। देखो, मैं इनको बहुत सम्मानित करता हूँ कि इन्होंने ऐसा काम किया, हम नहीं कर सकते, वो लेडीज करती है ऐसा काम। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि रक्तदान करो, बहुत ही अच्छा काम है, किसी का भला हो सकता है। कल ने किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसके काम भी आ सकता है। बेटे, आपका क्या नाम है? दिव्या। और आज आपकी मम्मी रक्तदान कर रही हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता। अच्छा लगता है, रक्तदान करना चाहिए, करना चाहिए। वेरी गुड। और देखिए, जिस तरह से यहाँ पर रक्तदान की शुरुआत की गई है, उजवा गांव से सुनीता है और उनके पति है मुकेश डागर जी, जो बच्ची के साथ आए हैं और उन्होंने रक्तदान किया है।